चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं सेकंड सेशन की। अम्मार मोहम्मद अम्मार नबील राशिद अपना माइक म्यूट कर दें। नबील राशिद, उबैदुल्ला माइक म्यूट कर दें। अच्छा अटेंडेंस में ले रहा हूँ सेकंड हाफ की। उबैदुल्ला माइक म्यूट कर दें, सेकंड हाफ की अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं। चैट पे रिप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा मोहम्मद अम्मार नहीं है, नबील राशिद ठीक है प्रेजेंट, रामीश अहमद ठीक है प्रेजेंट, मलिक अदनान, मलिक अदनान अच्छा मलिक अदनान नहीं है, मलिक अदनान प्रेजेंट है ठीक है। सैयद अब्दुल हसीब, सैयद अब्दुल हसीब प्रेजेंट है ठीक है। मोहम्मद सुलेमान खान, मोहम्मद सुलेमान खान, मोहम्मद सुलेमान खान नहीं है। और फुरकान, फुरकान नहीं है। मोहम्मद मुबशिर, मुबशिर इकबाल, मोहम्मद मुबशिर इकबाल सबा बतुल ठीक है प्रेजेंट, जरीन गुल ठीक है प्रेजेंट, मोहम्मद मास, मोहम्मद मास ठीक है प्रेजेंट, मौजम अली खान, मौजम अली खान, मौजम अली खान नहीं है। मोहम्मद हसन सुहेल ठीक है प्रेजेंट, मोहम्मद इबाद, इबाद प्रेजेंट ठीक है, आसिम रिजवान, आसिम रिजवान मोहम्मद शाहजेब जाफरी, मोहम्मद शाहजेब ठीक है प्रेजेंट है, सैयद हम्माद हुसैन, सैयद हम्माद हुसैन हुसैन ठीक है प्रेजेंट है, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल प्रेजेंट है सही है, और हम्माद फुलबारी के प्रेजेंट है, हाफिज फरजन ठीक है प्रेजेंट है, उबैदुल्ला, उबैदुल्ला प्रेजेंट है सही है, वजीहा मुहिद्दीन ठीक है प्रेजेंट सही है। एब्सेंटली सेकंड सेशन में सुलेमान खान है, फुरकान है, मुबशिर इकबाल है, मौजम अली खान, ये लोग सेकंड सेशन चमोज मुबशिर इकबाल आ गए। सर माइक लगा दिया आपने? कौन सर? जी जी हमजा, हमजा और लारू मोहम्मद, मोहम्मद अम्मा हाँ दोनों की प्रेजेंट लगा जी सर।
ठीक है, तो सेकंड सेशन में सिर्फ सुलेमान खान, फुरकान, मौजम अली खान, ये जो है सेकंड सेशन में एब्सेंट है, वो आ गए ना मेरे ख्याल में। मुबशिर इकबाल, मेरी लगा दी है मुबशिर इकबाल। हाँ वो सही है, मैंने देख लिया। ठीक है, 9440 सही। तो जी स्टार्ट कर रहे हैं। सिस्टम कॉल की टाइप्स, ठीक है, तो प्रोसेस जो है सिस्टम कॉल कितनी तरह के होते हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया कॉपी पेस्ट करने में ही जो है ना वो कितने सारे सिस्टम कॉल्स लगे थे। तो एक यहाँ पर मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में लिखा, सिस्टम कॉल्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर प्रोसेस कंट्रोल, यानी कि किसी भी प्रोसेस को, प्रोसेस किसे कहते हैं जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, रैम में मौजूद हो, तो उस प्रोसेस को क्रिएट करना, उसको टर्मिनेट करना, ठीक है, ये सिस्टम कॉल चाहिए होगा इसके लिए, इसके लिए सिस्टम, यानी प्रोसेस से, ये जो टाइप्स हैं ये प्रोसेस से रिलेटेड है, ये सिस्टम कॉल की टाइप्स प्रोसेस से रिलेटेड है, किसी प्रोसेस को क्रिएट करना, टर्मिनेट करना, किसी प्रोसेस को एंड करना, एंड तो नॉर्मली होगा, अगर अब नॉर्मल होगा तो एबॉर्ट होगा, ठीक है, तो इसके लिए भी सिस्टम कॉल्स लगेंगी, यहाँ भी सिस्टम कॉल लगेंगी, यहाँ भी, इस तरह किसी भी प्रोसेस को मेमोरी में लोड करना, उसको एग्जीक्यूट करना, इसके लिए भी सिस्टम कॉल्स लगेंगे। गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट्स, सेट प्रोसेस के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको लेना, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, और प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स को सेट करना, इसके लिए भी सिस्टम कॉल्स लगेंगे। वेट फॉर टाइम, वेट इवेंट, सिग्नल इवेंट, एलोकेशन, ये सारी प्रोसेस से रिलेटेड है। प्रोसेस आप बीच बीच में वेट भी करता है, जब दूसरे प्रोसेस का टाइम आएगा तो पहला प्रोसेस वेट करेगा, उसके लिए यहाँ पर ये कह रहा है कि वेट इवेंट, सिंगल इवेंट, एलोकेट इन फ्री मेमोरी, मेमोरी को एलोकेशन और फ्री करना, अगर रैम के अंदर चीजें आ रही हैं और जब काम खत्म हो जाता है रैम से बाहर निकाल दी जाती हैं, लेकिन उनके सबके लिए सिस्टम कॉल्स चाहिए। डम मेमोरी इफ एरर, ठीक है, तो अगर कोई एरर जनरेट होता है तो डम मेमोरी का मतलब क्या होता है, जो मेमोरी कोई अगर कोई एरर आ जाए तो मेमोरी का स्नैपशॉट ले लिया जाता है और उसको बाद में देखा जाता है कि इसके अंदर कहाँ पर एरर जो है वो, इसको डिबग करने की कोशिश की जाती है उस मेमोरी को, मेमोरी की जो है ना एरर को, तो डिबगर के जरिए से जो है बग्स जो है वो निकाले जाते हैं, जो भी बग्स आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपना डिबगर यूज करता है, और जो इस तरह से प्रोसेस के दरमियान जो है वो डेटा है मैनेज करने के लिए लॉक्स का भी इस्तेमाल होता है, ये भी हम पढ़ेंगे डेड लॉक्स के अंदर। तो बहरहाल ये सारे सिस्टम की टाइप्स हैं, उन सबके लिए जो है हमें सिस्टम कॉल दरकार है, तो ये प्रोसेस से रिलेटेड सिस्टम कॉल है। इसी तरीके से फाइल से रिलेटेड, फाइल की क्रिएशन, फाइल डिलीट करना, सबके लिए सिस्टम कॉल लगेगी, फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, रीड करना, राइट करना, गेट कर, ये सारी फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, इन सबके लिए हर ऑपरेशन के लिए सिस्टम कॉल दरकार है। डिवाइस मैनेजमेंट के लिए अंदर भी, डिवाइस का मतलब क्या है, हार्ड डिस्क हो गई, प्रिंटर हो गया, और रैम हो गई, प्रोसेसर हो, अब जितनी भी डिवाइसेज हैं उसके, उसकी मैनेजमेंट के लिए अंदर भी सारे सिस्टम कॉल्स जो है ना वो रिक्वायर्ड है। तो डिवाइस की रिक्वेस्ट, रिलीज डिवाइस, जब काम खत्म हो गया डिवाइस को रिलीज कर देना, जैसे आपने प्रिंट आउट भेजा तो डिवाइस की रिक्वेस्ट की प्रिंटर के लिए, जब प्रिंटर ने प्रिंट आउट निकाल दिए तो उसके बाद डिवाइस को रिलीज कर दिया, ठीक है, यानी कि वो अब दूसरों के लिए अवेलेबल होगी। इस तरह से रीड राइट ऑपरेशन है डिवाइसेस के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर आप रीड करते हो, रीड करते हो हार्ड डिस्क, राइट करते हो हार्ड डिस्क, रीपोजिशन है, ठीक है, इसको कहीं भी जगह पे, किसी जगह पे कुछ भी सेव करा सकते हो। गेट डिवाइस एट्रीब्यूट, डिवाइस के एट्रीब्यूट को लेना, गेट करना, उसको सेट करना, ये सारे लोकली अटैच और डिटैच डिवाइसेस, ये सारी एग्जाम, इन सब कामों के लिए हमें सिस्टम कॉल्स दरकार होंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं है, ये बता दीजिए जो जो जिनको आवाज नहीं आ रही। क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, अब क्लियर हो गया, बीच में नहीं आ रही। सही है, वैसे रिकॉर्डिंग में रखी दूंगा, तो रिकॉर्डिंग में अगर कोई चीज रह गई हो तो रिकॉर्डिंग में देख लेना, वैसे तो इंशाल्लाह कर लेते।
अच्छा जी, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, इसके लिए भी हमें सिस्टम कॉल्स चाहिए होगी इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस के लिए। गेट, लेकिन मैं वॉइस भी देख लेता हूँ, शायद हल्की ना हो। अब आवाज ज्यादा क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल में पहले से। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, ठीक है, गेट टाइम और डेट, यानी कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, टाइम को, टाइम और डेट आ गया, इन सब के लिए, यानी टाइम और डेट को लेना, गेट करना, उसको सेट करना टाइम और डेट को, तो इन सब के लिए भी सिस्टम कॉल्स लगेंगी। सिस्टम का डेटा लेना, सिस्टम का डेटा सेट करना, गेट एंड सेट प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस को गेट करना, सेट करना, फाइल, डिवाइसेस, एट्रीब्यूट्स, कम्युनिकेशन कैसे कराएंगे, क्रिएट, डिलीट कम्युनिकेशन, कनेक्शन, कम्युनिकेशन जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग, ठीक है, उन सब के लिए सिस्टम कॉल्स लगेंगी। शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग दोनों आपको बता चुका हूँ मैं, और उन सब के लिए जो है वो सिस्टम कॉल्स लगेंगी। इस तरह से जो है वो प्रोटेक्शन जो हमने किया था, सिक्योरिटी की चीजें, कंट्रोल फाइल, फाइल का जो कोई फाइल है उसको कोई कंट्रोल एक्सेस देना, इन सब के लिए जो है वो सिस्टम कॉल्स दरकार होंगी। गेट एंड सेट परमिशन, परमिशंस को जो है सेट करना, फाइल की फोल्डर के ऊपर परमिशन लगा रहे हो, शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो सिस्टम कॉल्स जो है वो डिनाई एक्सेस, किसी को डिनाई करना चाह रहे हो किसी भी फोल्डर पे, फाइल पे, किसी भी यूजर को डिनाई कर सकते हो आप, उसको एक्सेस नहीं कर सके, तो ये इन सब के लिए सिस्टम कॉल्स बैकग्राउंड में चल रही है। तो ये मेजर टाइप्स जो है ऊपर लिखी हुई है बुलेट में, जो ब्राउन कलर का बुलेट है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है डिस्क्रिप्शन जो है वो छोटे बुलेट्स में दी हुई है। एनी क्वेश्चन? सिस्टम कॉल्स की टाइप्स जो है ना वो यहाँ पर जो है मतलब खत्म हो रही है, आगे चल रहे हैं। ये देखो यहाँ पर दिखाया गया है विंडोज के अंदर सिस्टम कॉल्स कैसे की जा रही हैं और यूनिक्स के अंदर सिस्टम कॉल्स कैसे की जा रही है। जैसे प्रोसेस कंट्रोल है, प्रोसेस यही टाइप्स अभी हमने पढ़ी, प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनिपुलेशन, डिवाइस मैनिपुलेशन, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन, प्रोटेक्शन, ये हमने सिस्टम कॉल्स की टाइप्स पढ़ी। लेकिन विंडोज के अंदर जैसे मिसाल के तौर पर ये फंक्शन है, क्रिएट प्रोसेस का लिखोगे कोड में जाके तो प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। आप सी शार्प के अंदर भी जो है ना ये कोई प्रोसेस क्रिएट करना चाहो खुद से तो करवा सकते हो, ठीक है। तो यूनिक्स के अंदर यूज होता है फोर्क, फोर्क कमांड यूज होती है किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करवाने के लिए। प्रोसेस को एग्जिट कराना है तो एग्जिट प्रोसेस लिखोगे, यूनिक्स में एग्जिट लिखोगे, ये सारी चीजें कोडिंग हुई हुई है विंडोज में, लेकिन अगर आप खुद भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। प्रोसेस से रिलेटेड खुद भी कुछ करना चाहो तो इन कोडिंग के जरिए इसको कर सकते हो, वरना ये जो है बिल्ट इन हुई हुई है विंडोज के अंदर और यूनिक्स के अंदर भी, सारी सिस्टम कॉल्स बिल्ट इन है ये सारी, ठीक है ना, फाइल की क्रिएट फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल, क्लोज हैंडल, ये सारे मौजूद हैं फाइलिंग के ऑप्शन यूनिक्स लिनक्स के अंदर, ओपन, रीड, राइट, क्लोज के नाम से। और डिवाइस मैनिपुलेशन में ये इस तरह से डिवाइस के लिए है, कंसोल मोड वगैरह, ये इस तरह इंफॉर्मेशन के लिए गेट करंट प्रोसेस आई डी, कम्युनिकेशन के लिए क्रिएट पाइप, और ये प्रोटेक्शन के लिए है। तो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दिया कि ये सारी सिस्टम कॉल्स जो है ना वो ऑलरेडी जो है वो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, और अगर आप भी यूज करना चाहो तो इन सिस्टम कॉल्स को यूज करके जो है कोई काम करवा सकते हो अपने कोड के थ्रू। क्लियर हो गया? जी सर। सर वो अटेंडेंस मेरी बिलाल राजपूत 10 मिनट लेट हो गया था सर। बिलाल राजपूत जी 9904। मैं देखता हूँ अभी क्लास के आखिर में देख लेंगे। आप तो पहले सेशन में थे ना बिलाल? पहले सेशन में थे बिलाल राजपूत? देख लेंगे अटेंडेंस, चलो अभी क्लास डिस्टर्ब हो रही है,
जी सर पहले सेशन में था पहले से सही है जी ओके सर थैंक यू सही अब आप ये देखो स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी एग्जांपल यहाँ पर दिखाई गई है सी प्रोग्राम के अंदर आप सी प्रोग्राम की भी कोडिंग कर रहे हो ना लैब में सी भी सिखाई जा रही होगी आपको क्योंकि लिनक्स जो है ना बैकग्राउंड में सी को ही यूज करता है लिनक्स बना भी सी पर ही है सी लैंग्वेज भी बनाई है लिनक्स जो बना है ना तो सी पे आप कोडिंग इसलिए सिखाई जा रही है कि लिनक्स के अंदर कोई कोड करना चाहो आप तो सी लैंग्वेज के जरिए से जो है आप लिनक्स के अंदर कोड कर सकते हो और उसकी जो है बिल्ट इन कोई भी चीजें यूज कर सकते हो तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक फंक्शन है प्रिंट एफ के नाम से ना तो ये स्क्रीन के ऊपर कोई चीज प्रिंट करानी हो ये आपने किया होगा तो ये एक्चुअली करता क्या है स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कोई चीज करानी हो जैसे आपने ये प्रोग्राम किया हो लैब में इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन का के प्रिंट एफ कोई भी स्क्रीन पे समझो ये प्रिंट करवाना है ग्रीटिंग्स और रिटर्न जीरो ये आपने किया अच्छा आप सी प्रोग्राम जो आप लैब में कर रहे हो तो उसके लिए क्या यूज कर रहे हो कहाँ पर कोडिंग करते हो उसकी और उसको कंपाइल कहाँ करते हो सर dev C++ dev C पे कर रहे हो अच्छा जी सही ठीक तो बहरहाल फिर आप जब प्रिंट एफ करते हैं ग्रीटिंग्स करते हैं तो प्रिंट एफ करता है क्या ये बिल्ट इन देखो ये सिस्टम कॉल कर क्योंकि स्क्रीन पर राइट करवाना है तो एक्चुअली मॉनिटर को यूज करना पड़ेगा ना मॉनिटर क्या है हार्डवेयर है तो हार्डवेयर के ऊपर कोई चीज प्रिंट मतलब स्क्रीन पे कोई चीज प्रिंट करवानी है हार्डवेयर को एक्सेस करना है तो फिर क्या होगा सिस्टम कॉल जनरेट होगी यानी कि सी की लाइब्रेरी से यूजर मोड से भी कहाँ पर आ जाएगा कर्नल मोड पे और ये फिर राइटिंग ऑपरेशन स्क्रीन के ऊपर राइट किया जाएगा जो भी आप लिखवा रहे हो ग्रीटिंग्स स्क्रीन के ऊपर राइट किया जाएगा कर्नल मोड उसको सपोर्ट करेगा और फिर दोबारा से जो है वो राइट करने के बाद दोबारा बैक होगा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से वापस आपके सी के प्रोग्राम में तो इस तरह से सिस्टम कॉल के थ्रू जो है वो कोई भी बिल्ट इन अभी प्रिंट एफ ने सिस्टम कॉल की स्क्रीन को एक्सेस करने के लिए जैसे यहाँ पर दिखाया गया तो इस तरह से बैकग्राउंड में सारी चीजें काम कर रही हैं तो यहाँ पर एमएस डॉस की एग्जांपल दिखाई गई है एमएस डॉस जो है ना वो एक्चुअली सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि उसमें एक वक्त में एक ही टास्क चलता है एमएस डॉस में विंडोज तो मल्टीटास्किंग है लेकिन जो विंडोज डॉस है जिसको आप कमांड लाइन सीएमडी करके हम जाते हैं विंडोज में तो डॉस आ जाता है डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंगल टास्किंग है यानी कि सिंगल टास्किंग का मतलब क्या है एक वक्त में एक प्रोसेस चलेगा जैसे यहाँ पर आप देखो नीचे दिखाया गया है सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसकी उसका स्नैप ये दिखाया गया है मेमोरी का के कर्नल होता है कमांड इंटरप्रेटर है फ्री मेमोरी है ठीक है यानी कर्नल के अंदर डॉस रखा हुआ है कमांड इंटरप्रेटर है जो के जो कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाए ये है यहाँ पे तो ये फ्री मेमोरी है अब कोई प्रोसेस आता है किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराया यहाँ पर देखो एक प्रोसेस आ गया है यहाँ पर लिखा है रनिंग का प्रोग्राम तो एक प्रोसेस रन हो रहा है बाकी वही चीजें अपनी जगह पर ही करना कर्नल कमांड इंटरप्रेटर फ्री मेमोरी लेकिन एक प्रोसेस आ गया अब ये प्रोसेस रन हो रहा है एमएस डॉस चूंकि सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एक ही प्रोसेस के अंदर आएगा रन होने के लिए मल्टीपल प्रोसेस ये रन नहीं कर सकता एमएस डॉस तो सिंगल मेमोरी स्पेस जो है उसके लिए लोकेट होती किसी भी प्रोसेस को जो है वो चलाने के लिए तो अगर आप यहाँ पर देखो ये फ्री बीएसडी जो है ये यूनिक्स का वेरिएंट है ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये मल्टीटास्किंग है ठीक है तो आप यहाँ पर देखो ये मुख्तलिफ प्रोसेस आपको नजर आ रहे होंगे प्रोसेस बी प्रोसेस सी प्रोसेस डी यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोसेस नजर आ रहे हैं और मल्टीपल जाहिर है बैकग्राउंड में फोर्क मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था फोर्क से क्या होता है कोई भी प्रोसेस क्रिएट होता है ये वो कमांड है जो प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए यूज होती है या आप लैब में भी मेरे ख्याल में करोगे ये फोर्क और एग्जीक्यूशन तो ये प्रोसेस को क्रिएशन के लिए जो है हम यूज करते हैं ठीक है तो मल्टीपल प्रोसेस देखो आप क्रिएट कर रहे हो क्योंकि बीएसडी जो है वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टीपल प्रोसेस को सपोर्ट करता है तो उसका मेमोरी का स्नैप ये दिखाया है कि मल्टीपल प्रोसेस जो है वो चल रहा है
सिस्टम प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम प्रोवाइड अ कन्वीनियंट एनवायरनमेंट फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। तो सिस्टम प्रोग्राम के अंदर हम देखें, अगर बात करें तो प्रोग्राम की डेवलपमेंट और उसकी एग्जीक्यूशन के लिए जो है वो हम ये यूज कर रहे होते हैं। इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, फाइल मैनिपुलेशन, स्टेटस इंफॉर्मेशन समटाइम्स स्टोर्ड इन अ फाइल मॉडिफिकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट, प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, कम्युनिकेशन बैकग्राउंड सर्विसेज, एप्लीकेशन प्रोग्राम। यानी कि कोई भी प्रोग्राम जो अगर आप राइट करते हो किसी भी लैंग्वेज के अंदर, कोई भी प्रोग्राम आप रन करते हो, ठीक है ना, तो जाहिर है सिस्टम के ऊपर वो रन होंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चलाने के लिए जो है फैसिलिटेट करेगा। Most users view the operating system is defined by system program, not the actual. So system program actually वो program होते हैं, जो operating system भी एक system program है, खैर वो भी लिखा गया है किसी system program, जैसे आपका Linux है C पर लिखा गया है programming language में, लेकिन किसके लिए use हो रहा है, operating system के लिए, operating system बनाया गया है। तो जितने भी program जो के system को manage करते हैं तो वो system program कहलाते हैं, जैसे जिसमें से एक example operating system है। तो ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड कन्वीनियंट, ये सारी चीजें यहाँ पर जैसे बताई गई हैं। प्रोवाइड अ कन्वीनियंट एनवायरनमेंट फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन, फाइल मैनेजमेंट सारी इसके अंदर, सिस्टम प्रोग्राम्स के अंदर फाइल की सारी मैनेजमेंट है, फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, कॉपी करना, रिनेम करना, ठीक है। जैसे फाइल क्रिएट आपको आती होगी करना, लिनक्स में भी सिखाई होगी कमांड लाइन के ऊपर, और वैसे भी फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई जीयूआई पे भी हम कोई राइट क्लिक करके कोई भी नई फाइल बना सकते हैं, ठीक है, और कमांड लाइन के ऊपर भी जो है फाइल क्रिएशन होती है। जैसे मिसाल के तौर पर कमांड है कॉपी कौन, कोई भी फाइल हम बना रहे हैं फॉर एग्जांपल abc.txt के नाम से, abcd.txt, दिस फाइल इज क्रिएटेड बाय, एक छोटा सा टेक्स्ट इसमें लिख दिया और जब सेव करना हो कंट्रोल जी कर देते हैं, एंटर करते हैं तो फाइल जो है कॉपीड हो गई, ठीक है ना, यूजर्स के अंदर एचपी के अंदर ये फाइल कॉपीड हो गई। तो इस तरह से फाइल अगर हम जाके देखेंगे वहां पर तो ये फाइल हमने क्रिएट कर ली, लेकिन ये फाइलिंग जो राइट क्लिक करके भी क्रिएट कर सकते हो जीयूआई पे, लेकिन सीएलआई पे मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया, ठीक है, एचपी के अंदर जो है वो कॉपी कॉन एबीसीडी ये रहा, इस पर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर आ गया, दिस फाइल इज क्रिएटेड बाय मोहम्मद ने। अब मैंने ये सीएलआई पे एक फाइल क्रिएट की थी, ठीक है। तो इस तरह से सारी कमांड्स हैं, जितनी जो चीजें आप जीयूआई पे कर सकते हो तकरीबन वो सारे काम सीएलआई पे भी होते हैं, लेकिन जाहिर है वहां पर टेक्स्ट लिखना पड़ता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो यहाँ पर कह रहे हैं ना फाइल मैनेजमेंट, तो ये फाइल क्रिएट करना, डिलीट करना, कॉपी, रीनेम, प्रिंट, ये सारे काम जो है सिस्टम प्रोग्राम्स जो है ना वो सपोर्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सारी चीजें सपोर्ट करेगा। जाहिर है स्टेटस इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम की रजिस्ट्री जो है एक अहम चीज होती है, सम आस्क द सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन डेट टाइम अमाउंट ऑफ अवेलेबल मेमोरी डिस्क स्पेस नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमें चाहिए होती है बाज़ूकात सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। फाइल को मॉडिफाई करना हो, ठीक है, तो टेक्स्ट एडिटर के जरिए फाइल जो है मॉडिफाई भी हो जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट, मुख्तलिफ कंपाइलर चल रहे होते हैं, सेमलर्स चल रहे होते हैं, डीबगर्स चल रहे होते हैं, आप इंस्टॉल करोगे विंडोज के ऊपर सी शार्प वगैरह या सी पे जो भी करोगे, डेफ सी कर रहे हो आप, बैकग्राउंड में कंपाइलर चल रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबको सपोर्ट करता है, असेंबली करोगे तो असेंबलर बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है, प्रोग्राम की लोडिंग मेमोरी में लोड करना, इसको एग्जीक्यूट करना और कम्युनिकेशन कराना, तो ये सारे सिस्टम प्रोग्राम जो है वो इसका जो है काम है।
बैकग्राउंड सर्विसेज की अगर हम बात करें, लॉन्च एट बूट टाइम सम ऑफ आवर सिस्टम स्टार्टअप. अच्छा, इसमें होता है क्या है, बहुत सारी चीजें आप विंडोज स्टार्ट, विंडोज की एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम ज्यादा विंडोज यूज करते हैं, ना लिनक्स की भी आप ले सकते हो एग्जांपल. तो जैसे ही बूट होता है तो बहुत सारी चीजें जो है सिस्टम में बूटिंग टाइम में स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, स्टार्ट भी होती है, टर्मिनेट भी हो जाती है. जैसे बूटिंग के वक्त बहुत सारी चीजों को स्टार्ट करता है फिर टर्मिनेट कर देता है, और बैकग्राउंड के अंदर मुख्तलिफ सर्विसेज जो है वो चल रही होती हैं, और वो इसलिए चलती हैं ताकि जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो है सपोर्ट कर सके. तो बैकग्राउंड में सारी चीजें चल रही होती हैं. तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी जाहिर है ये तो यूजर रन करता है. अगर आपने एम एस वर्ड वगैरह चलानी है तो जाहिर है आप इसको डबल क्लिक करोगे एम एस वर्ड को, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम खुद ब खुद नहीं चलते बल्कि यूजर जो है वो उनको चला रहा होता है. लेकिन जो सिस्टम प्रोग्राम होते हैं बहुत सारी चीजें स्टार्टअप पे सिस्टम प्रोग्राम जो है वो चल जाते हैं, यूजर उसको चलाता नहीं है, ज्यादातर वो खुद ही चल जाते हैं बैकग्राउंड में, ऑपरेटिंग सिस्टम उनको चलाता है. The design implementation of the system not solvable, but some approaches have been successful. अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो मुख्तलिफ होता रहता है. जाहिर है डॉस का अलग इंटरनल स्ट्रक्चर है, विंडोज का अलग इंटरनल स्ट्रक्चर है, लिनक्स का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और सबका जो है मतलब सबकी जाहिर है वो एफिशिएंसी भी हर एक की अलग अलग ही है. तो देखना पड़ेगा कि जो है वो आपने हार्डवेयर जो है वो भी इसके ऊपर अंदर जो है असरअंदाज होता है. यूजर गोल्स एंड सिस्टम गोल्स. यूजर गोल्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी कन्वीनियंट टू यूज, इजी टू लर्न, रिलायबल, सेफ एंड फास्ट. ठीक है, यूजर तो यही चाहता है ना कि भाई मेरा काम सारा जल्दी हो जाए. तो ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटेट करे कि जो है उसका काम फास्ट, सेफ, रिलायबल, जल्दी काम हो जाए. जबकि सिस्टम गोल्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी इजी टू डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन, एज वेल एज फ्लेक्सिबल, रिलायबल, एरर फ्री एंड एफिशिएंट. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ जो है वो ऐसा बनाया जाए के जो है जो कि जिसको इस्तेमाल करना आसान हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना आसान हो, मेंटेन करना आसान हो, जो कि फ्लेक्सिबल भी हो, रिलायबल भी हो. ठीक है, तो यूजर प्रोग्राम के गोल्स जो है डिफरेंट होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल टू सेपरेट पॉलिसी, व्हाट विल बी डन और मैकेनिज्म हाउ टू डू इट. ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप डिजाइन करने जा रहे हो, बनाने जा रहे हो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पहले आप पॉलिसी बनाओगे क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चीजें होनी चाहिए. ठीक है, जो मेजर काम है फोल्डर क्रिएट करना, डिलीट करना, ये वो बहुत सारे काम जो है जो कॉमन है सब में बहुत है, तो वो उन सबकी आप पॉलिसी बनाओगे कि व्हाट विल बी डन, क्या क्या होगा, फिर उसका मैकेनिज्म बनाओगे कि वो कैसे होगा, हाउ टू डू इट. ठीक है, तो क्या होगा और कैसे होगा, ये सारे काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले डिफाइन करते हो आप कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करेगा और कैसे करेगा. तो मैकेनिज्म्स डिटरमाइन हाउ टू डू समथिंग, पॉलिसीज डिसाइड व्हाट विल बी डन. ये जैसे पॉलिसीज जो है वो क्या करना है, मैकेनिज्म बताना है कि कैसे करना है. द सेपरेशन ऑफ पॉलिसी फ्रॉम मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. तो ये दोनों को अलग अलग रखेंगे. ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, उनको अलग अलग रखेंगे ताकि जो है वो मैकेनिज्म्स जो है वो हर मैकेनिज्म जिस पॉलिसी से रिलेटेड होंगे उस पॉलिसी के मुताबिक ही वो काम करेंगे. जैसे आप देखो कि शटडाउन का मैकेनिज्म डिफरेंट है. ठीक है, शटडाउन करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो चल रही होती हैं, उनको एक एक करके सबको क्लोज करता है, रैम को खाली करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं. जब आप शटडाउन प्रेस करते हो तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं जो बैकग्राउंड में चलना शुरू हो जाते हैं. स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे मैकेनिज्म बैकग्राउंड में चलते हैं. ठीक है, तो कैसे करना है, तो वो मैकेनिज्म्स हैं. हर मैकेनिज्म किसी के पीछे हर मैकेनिज्म यानी कि किसी हर पॉलिसी के पीछे मैकेनिज्म्स है. ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा कि मैकेनिज्म्स कौन सी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, कौन से मैकेनिज्म्स कौन सी पॉलिसी, इन दोनों को मिक्स नहीं करना बल्कि ये अलग अलग रखना है. पॉलिसी का मतलब है क्या करना है, मैकेनिज्म का मतलब है कैसे करना है. स्पेसिफाइंग एंड डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज हाईली क्रिएटिव टास्क ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा उसके लिए बहुत जाहिर है क्रिएटिव टास्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना.
ठीक है, जैसे कोई अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, वो एक जाहिर है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और एक पर्सन तो ज़्यादातर बनाते ही नहीं है, ज़्यादातर टीम बैठती है, क्योंकि जाहिर ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसके मुख्तलिफ मॉड्यूल्स बनते हैं। तो हम ज़ाहिर यूज़ कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास अच्छे अवेलेबल है, लेकिन इस कोर्स को पढ़ने का मकसद यही है कि अगर आपको आप कम अज़ कम ये तो पता चल जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, ताकि अगर आप खुद से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ तो उन चीजों का आप ख्याल रखो। इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से यहाँ पर देखते हैं, मच वेरिएशन अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम इन असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया कि पहले शुरू शुरू में हुआ क्या था, जब इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात हुई, शुरू शुरू में जो ऑपरेटिंग सिस्टम बने थे वो असेंबली लैंग्वेज में बने थे, क्योंकि जाहिर है वो असेंबली लैंग्वेज बहुत फास्ट है और हार्डवेयर को बहुत जल्दी एक्सेस कर लेती है, जाहिर है हार्डवेयर से करीब है। तो शुरू में जो ऑपरेटिंग सिस्टम बने थे वो असेंबली लैंग्वेज में बने थे, लेकिन बाद में जो है कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आई जैसे एल्गोल, PL1, अब तो खैर ये ख़त्म हो गई हैं, लेकिन सी और C++ चल रही हैं। तो इन लैंग्वेजेस के ऊपर जो है अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा जा सकता है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी और C++ ये हार्डवेयर को एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि हार्डवेयर लेवल की प्रोग्रामिंग इस पर आप कर सकते हो, सी पर भी, C++ पे भी। तो चूंकि हम इससे ज्यादा यूजर फ्रेंडली हैं, सी और मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से हम ज्यादा इजी टू यूज हैं, तो हम जो है ना बजाय असेंबली लैंग्वेज के हम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम प्रेफर करते हैं, ताकि हम अपना कोड जल्दी लिख लें और आसानी से लिख लें ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। जब भी आपको लैब में ये सिखाई जा रही है, ताकि अगर आपको जो है वो हार्डवेयर के रिलेटेड कोई चीज करनी हो, सी सी प्लस के जरिए आप कर सकते हो। एक्चुअली यूजुअली अ मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, तो आजकल जाहिर है सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है वो करती क्या है कि लोएस्ट लेवल पे असेंबली चल रही होती है सी के, और मेन बॉडी में सी प्रोग्राम। देखो हो क्या होता क्या है, आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहे हैं वो ऐसा भी करते हैं कि असेंबली लैंग्वेज भी यूज करते हैं, उसकी कुछ कोडिंग असेंबली लैंग्वेज पे हुई हुई है, कुछ कोडिंग जो है उसकी सी में हुई हुई है, ठीक है, कुछ कोडिंग उसकी सी सी प्लस पे हुई हुई है, कुछ जो है वो मुख्तलिफ पाइथन वगैरह पे उसकी शेल स्क्रिप्टिंग हुई हुई है। मतलब क्या है कि मिक्स कर दिया, मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन हो रहे हैं आजकल, ऐसा भी हो रहा है, सिर्फ एक चीज पे निर्भर नहीं कर रहे, मुख्तलिफ चीजों के जरिए मुख्तलिफ पार्ट बना दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम के और उसको यूज किया जा रहा है। लेकिन ये है कि मोर हाई लेवल लैंग्वेज इजियर टू पोर्ट टू अदर हार्डवेयर बट स्लोअर, ज्यादा हाई लेवल लैंग्वेज यूज करेंगे तो जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो हो जाएगा, तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि मतलब ऐसे ऐसी लैंग्वेजेस यूज की जाए, हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो कि सिस्टम को स्लो डाउन ना करें। तो एमुलेशन का मतलब क्या है कि बगैर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपने कोई बना लिया, उसको आप कोई एमुलेशन के जरिए आप उसको चला के देख लो भाई, कि जैसे आपने VMware का नाम सुना होगा, वर्चुअल मशीन और वर्चुअल बॉक्स, ये आप जो यूज करो इसके ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चला के देख लो कि भाई कैसा चल रहा है, ठीक है, बजाय ये कि आप हार्डवेयर पे डायरेक्टली इंस्टॉल करो, आप किसी इम्यूलेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर इंस्टॉल करके उसकी एफिशिएंसी देख लो बना के। तो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी लार्ज प्रोग्राम, वेरियस वेज टू स्ट्रक्चर वंस, ठीक है, तो जनरल पर्पस जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो यूज कर रहे हैं सारे जनरल पर्पस ही हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए कंपाइलर यूज होता है, बिलाल सवाल कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए जाहिर है कंपाइलर तो यूज होगा, अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम लिख रहे हो तो कंपाइलर जो है उसको जाहिर हमें चाहिए होगा, तो क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो आखिर में उसका रिजल्ट आउटपुट दिखाएगा, आखिर में पर बनेगा उसका जाहिर है एग्जी फाइल्स बनेंगी और मल्टीपल एग्जी फाइल्स बनेंगी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन कंपाइलर जाहिर चाहिए होगा अगर आपने उसको हाई लेवल लैंग्वेज पे लिखा है, लेकिन अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबली लैंग्वेज पे लिखा है तो कंपाइलर नहीं चाहिए होगा, असेंबलर चाहिए होगा। फिर अच्छा, जो वेरियस वेज टू स्ट्रक्चर वंस, सिंपल स्ट्रक्चर ये बता चुका हूँ, MS-DOS में सिर्फ एक ही प्रोसेस चलता है एक ही वक्त में, तो उसका स्ट्रक्चर तो सिंपल है, लेकिन यूनिक्स का स्ट्रक्चर सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके अंदर लेयर्ड और एब्स्ट्रक्शन, मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर जो है ये चल रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक्रो कर्नल का भी जो है कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, जैसे मैक जो है
ये मैक्रो कर्नल यूज करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंपल स्ट्रक्चर एमएस डॉस को। तो एमएस डॉस के अंदर जो है मॉड्यूल के अंदर इस प्रोग्राम, मतलब जाहिर है छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है एमएस डॉस, छोटा सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसको जो है मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड नहीं किया, क्योंकि मॉड्यूल्स में उसको डिवाइड करते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा हो जाए ना, काफी लार्ज हो जाए, लेकिन ये चूंकि खुद ही इतना स्मॉल है तो उसको मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड नहीं किया। अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्राम में आप कोई काम कर रहे हो डायरेक्ट जो है। अब देखो इसके अंदर ये इसका एमएस डॉस का जो है थोड़ा सा सिंपल आर्किटेक्चर दिखाया है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम के ऊपर रिलाय कर रहे हैं। रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम जो है एमएस डॉस के डिवाइस ड्राइवर्स के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, और जबकि ये डिवाइस ड्राइवर जो है रोम बाइज डिवाइस ड्राइवर के ऊपर रिलाय कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली जो है वो अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस भी हो रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्ट जो है वो बायोस को भी, बायोस के ड्राइवर्स को भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। रेजिडेंट प्रोग्राम भी डायरेक्ट जो है रोम बायोस के ड्राइवर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन सिक्योर नहीं है इतना एमएस डॉस, क्योंकि जाहिर है इसमें आप देखो यूजर जो है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम का मतलब क्या है, ये यूजर का प्रोग्राम है। यूजर प्रोग्राम डायरेक्ट जो है वो बायोस को भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये खतरनाक है। तो मतलब ये कि सिक्योरिटी वाइज जो है ना ये डॉस इतना ज्यादा जो है मतलब वो सिक्योर नहीं है, लेकिन ये है कि जाहिर है अगर सिर्फ सिंपल लेवल का काम करना हो तो उसके लिए ठीक है। तो बहुत सारे फीचर्स जो है वो आप देखते हो कि डॉस के अंदर भी जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मांगता है अलग से, ठीक है ना। तो अगर आप डॉस के ऑपरेटिंग सिस्टम सीएमडी आप गए हो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स करने के साथ, फिर वो आपको जो है एक्सेस देता है कि आप सारी चीजें यूज कर सकते हो, रोम बायोस की भी सब चीजें। लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के साथ नहीं गए हो तो फिर वो आपको एक्सेस नहीं देता। यूनिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो नॉन सिंपल स्ट्रक्चर है यूनिक्स का। तो यूनिक्स लिमिटेड बाय हार्डवेयर फंक्शनैलिटी, द ओरिजिनल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैड लिमिटेड स्ट्रक्चरिंग, द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट पार्ट्स। तो यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम दो सेपरेट पार्ट्स पे मुश्तमिल है, सिस्टम प्रोग्राम्स और कर्नल। सिस्टम प्रोग्राम का नाम सिस्टम, मतलब मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि यूनिक्स में रखी गई हैं, इसमें शेल भी आ जाता है। कर्नल जो है वो आपका मेन है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग बिलो द सिस्टम कॉल इंटरफेस एंड अबव द फिजिकल हार्डवेयर। यानी सिस्टम कॉल के नीचे, सिस्टम कॉल के नीचे और हार्डवेयर से ऊपर, फिजिकल हार्डवेयर से ऊपर, ठीक है। इसके दरमियान में जो कुछ है वो कर्नल है। कर्नल की एक तरह से, तुम जो एक तरह से वो बताया कि कर्नल हम किसे कहेंगे, कर्नल हम उसे कहेंगे कि सिस्टम कॉल जनरेट हुई, ठीक है। सिस्टम कॉल जब जनरेट हुई किसी भी सर्विस को हासिल करने के लिए, सिस्टम कॉल जब जनरेट की गई, तो सिस्टम कॉल को जनरेट करने के बाद और हार्डवेयर से पहले, हार्डवेयर का मतलब यहाँ पर हार्डवेयर आ गया, इनके दरमियान में, हार्डवेयर और सिस्टम कॉल के दरमियान में जो कुछ है ना वो कर्नल है, ठीक है। वो कर्नल सिस्टम कॉल करते ही कर्नल पे आ जाता है, लेकिन हार्डवेयर जब जैसे ही हार्डवेयर टच होता है हार्डवेयर से पहले पहले ये कर्नल आ जाता है आपका, बीच में कर्नल काम कर रहा है। तो कभी कभी ये हमें देखना होता है कर्नल कहाँ से काम करना शुरू कर रहा है, कहाँ काम करना खत्म कर रहा है। तो उसका आइडिया यही है कि सिस्टम कॉल के बाद और हार्डवेयर से पहले तक कर्नल का रीजन है। और प्रोवाइड द फाइल सिस्टम, काम क्या करता है कर्नल, फाइल सिस्टम, सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट।